हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि IIT सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। इससे कि पहले मैंने IIT फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, जो कि आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से भी यदि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो देख सकते हैं, या आप IIT सेकेंड ईयर के छात्र हैं और प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट में भी चेक आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन IIT सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, जिसमें यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें साथियों पहले नंबर पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन दिया गया है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। बी ऑप्शन है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है या इसमें कोई भी जो सूचना स्टोर की जाती है या उस तक पहुंचा सकता है। सी ऑप्शन है, इसमें कोई भाववेग नहीं होगा, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। डी ऑप्शन दिया गया, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचा सकता है। तो देखिए, जो इसमें आपका गलत कथन है वो आपका जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है साथियों, ऑप्शन में डी ऑप्शन, क्योंकि ये जो है साथियों एक अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुँचा सकता है या पहुँचाता है, ये साथियों क्या है, ये गलत कथन है। एक ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी ये जो एक लॉजिकल मशीन है, आप सभी को मालूम है कंप्यूटर जो है यहाँ पर लॉजिकल मशीन भी इसको आप कह सकते हैं, और सूचना को प्रोसेस भी करता है, और जो भी आपके पास डाटा है आप उसमें कोई भी चीज़ यहाँ पर काम करते वर्क करते, चाहे वर्ड प्रेस में हो गया या पेंट में हो गया, तो वो डाटा आपका स्टोर भी करता है। ये सभी कथन आपके सही हैं बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार, ये आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो सही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है ये सभी ABC सही है, लेकिन हमसे पूछा गया है गलत ऑप्शन, तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो आगे खाली स्थान है, मतलब कि क्या है, सॉफ्टवेयर या CPU या RAM है, या बी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, डी ऑप्शन है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। तो साथियों इसमें आपका जो कंप्यूटर में देखने को मिलेगा कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ही देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, ऑक्टल के रूप में या हेक्साडेसिमल के रूप में या डेसिमल के रूप में या बाइनरी के रूप में। तो साथियों आप सभी को मालूम होगा ये जो अपने अंदर जो डाटा संग्रहित करता है वो बाइनरी के रूप में करता है, किसके रूप में, बाइनरी के रूप में क्या करता है, एकत्रित करता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन में डी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा को आगे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, ए ऑप्शन डेटा, बी ऑप्शन इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, सी ऑप्शन नॉलेज मतलब ज्ञान, और यहाँ पर एनालिसिस दिया गया मतलब कि विश्लेषण। तो साथियों इसमें जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको पूछा जा रहा है कि किस रूप में जाना जाता है या किसके रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन पूछने का सेम तरीका है। तो इसको साथियों जाना जाता है विश्लेषण, इसके विश्लेषण के रूप में जाना जाता है जो कि प्रोसेस्ड डाटा होता है। तो ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, जैसे कि यहाँ पर CK3+ दिया गया है, और यहाँ पर Windows 7 दिया गया है, CD-ROM दिया गया है, और यहाँ पर नॉन ऑप एवर मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, CD-ROM। कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर होता है, तो ये आपका CD-ROM होता है, तो यहाँ पर आपको कंपैक्ट डिवाइस ROM होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6-7 है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपको लंबा देखने को मिल रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि हार्डवेयर इक्विपमेंट में या इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। एक सही आपको एक सीक्वेंस में आपको बताना है कि इसमें किससे यह बना होता है। तो सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आपको क्या देखने को मिलती है, आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठते हैं तो सबसे पहले आपको मॉनिटर देखने को मिलता है। उसके बाद साथियों आपको सीपीयू देखने को मिलता है, जो कि सीपीयू ऐसे होता है, लंबा होता है और ये पतला होता है, ये सीपीयू होता है। उसके बाद आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है, उसके बाद माउस होता है, और साथ ही सीपीयू के अंदर जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग डाटा होते हैं, ये सॉफ्टवेयर, ये सभी चीज़ें होती है, ये सब स्टोर होती है। तो सिक्वेंस में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, मतलब कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्रामिंग क्या है, कह सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग है जो कि यहाँ पर उस प्रोग्राम के माध्यम से हम कंप्यूटर को यहाँ पर चलाते हैं, या कंप्यूटर एक प्रोग्राम से, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर दिया गया कि फ्लॉपी डिस्क है, कंप्यूटर सर्किट है, ह्यूमन ब्रेन है। तो ह्यूमन ब्रेन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और कंप्यूटर सर्किट कह रहा है जो कि इससे कोई भी संबंध नहीं है, सर्किट होता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है कि मेन चीज़ जो है उससे आप क्या समझते हैं, फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो डिस्क ऐसे भी कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स कह सकते हैं, ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में अपग्रेड होना होगा, जैसे कि सीपीयू में या मॉनिटर में या कीबोर्ड में या नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है, ऑप्शन में ए ऑप्शन सही हो जाता है, सीपीयू। जो साथियों जो कंप्यूटर का कार्य करने की जो क्षमता होती है वो किसके द्वारा होती है, तो सीपीयू के द्वारा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा होता है, जो कि सीपीयू का, सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है, जिसे कि यहाँ पर दिया गया अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया कंट्रोल यूनिट, सी ऑप्शन दिया गया रजिस्टर, और डी ऑप्शन दिया गया रैम, और यहाँ पर रैम दोनों दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका 9 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, और इसमें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। तो साथियों सीधा जो संबंध रखता है वो आपका होता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीयू, या आप इसको सीयू बोल सकते हैं या कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं, एक ही नाम है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है, मतलब कि इसकी जो यहाँ पर जो डाटा स्टोर की है वो कितने की है, इसकी आप गणना आप कैसे कर सकते हैं, जीबी में या मेगा हर्ट्ज में या एमआईपीएस में या बैंड दर में। तो साथियों ये जो किया जाता है एमएचजेड में, मतलब मेगा हर्ट्ज में किया जाता है, और ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग, जो यहाँ पर दिया गया ALU की विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहित करती है या संग्रहण करता है, जिसे कि यहाँ पर ALU दिया गया, मतलब कि ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर दिया गया है या डी दिया गया है रैम। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो अस्थायी की बात किया जा रहा है, तो अस्थायी रूप में आंकड़ों का जो संग्रहण करता है वो रजिस्टर करता है, कौन करता है साथियों, रजिस्टर करता है, और ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को
निष्पादित करने से सीधे सम्मिलित होता है, जैसे कि स्कैनर हो गया या मुख्य स्टोरेज हो गया या यहाँ पर दिया गया सेकेंडरी स्टोरेज, डी ऑप्शन दिया गया प्रोसेसर। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, जिसको प्रोसेसर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या कंट्रोल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या हॉट डिस्क। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं तो ये आपका ALU सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको बनाता है कि किसी कार्यक्रम के इंटरक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, ये सभी चीज़ें जो किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है साथियों कंट्रोल यूनिट के द्वारा, जो कि ऊपर भी क्वेश्चन था मैंने आपको बताया, आपने ध्यान दिया होगा तो आप समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है, ये सभी चीज़ें जो कार्य करती है किस पे की जाती है। तो साथियों ये किया जाता है अंगणितीय ऑपरेशन के द्वारा भी, तार्किक ऑपरेशन के द्वारा भी, मतलब लॉजिक ऑपरेशन भी किया जाता है, और यहाँ पर संचय और पुनर्प्राप्ति भी होती है। तो ये सभी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑल ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से सभी। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे आप डेली क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक करें, और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपके मोबाइल पर पहुंच सके।